ये सिंध का एक मशहूर शहर है और यहाँ पर हर तरफ खजूर के बागात है, हर तरफ। यहाँ से लेकर आगे 100 किलोमीटर तक ये सारा इलाका हर तरफ खूबसूरत खजूर के बागात है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई साहब, खजूर तो अरबों का दरख्त है, वो सिंध में क्या कर रही है? तो इसके बारे में एक मशहूर रिवायत है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो वह अपने साथ कुछ खजूर लाया था, तो खजूर तो वो खा गया, लेकिन उसकी जो बीज वगैरह है उसने वो यहाँ पर फेंका और उससे सारे बागात भर गए। अब ये सच है या झूठ है वो तो खुदा को पता है। खजूरों के शहर खैरपुर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस शहर को मीर सोराब खान तालपुर ने 1783 में बनाया था। इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं पिछले 10 दिनों से तर के सहरा में सफर कर रहा हूं। सब्जा देखने के लिए आंखें तरस गई है, तो आइए सबसे पहले खैरपुर में खजूरों के बागात देखते हैं और अपने आंखों को खुश करते हैं। यार बहुत हो गया बड़े रोड पर चलते, अब जीटी रोड पर मसलसल चलते हुए तक गया हूँ यार। अभी थोड़ा सा साइड भी देखते हैं, गांव भी देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं भाई साहब। ओहो, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, ये बात है। पता नहीं, मैं जब ग्रीनरी देखता हूँ ना, मेरा रूह ताज़ा हो जाता है, एकदम जवान हो जाता हूँ। वो मेरे अंदर का जो 18 साल यहिया खान है ना, वो एकदम पता नहीं कहीं से बस आ जाता है मेरे अंदर। वाह जी वाह, क्या बात है। खजूर की बागात तो उस तरफ भी थी, लेकिन उस तरफ इस तरह गंदम और गंदम पक गए हैं, तो ग्रीनरी नहीं है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीनरी है और खजूर की बागात है भाई साहब, मज़ा आता। अच्छा भाई जी, चारा वगैरह हो गया है? बकरियों के लिए बस संभाल के। हाँ ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका नाम क्या है? यहिया खान। मैं यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर हूँ। चैनल का नाम यहिया खान। यहिया खान जी। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने खजूरों के बाग है, और यहाँ पर ये भाई साहब कह रहा है कि यहाँ पर छुहारा बनता है। अगर छुहारा ऐसी हालत में बनती है और ऐसी सफाई होती है तो भाई साहब, मेरा तो चुहारे से दिल भर गया यार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। जिंदा सदाम हुसैन। अच्छा सदाम भाई, ये मुझे बताओ, ये चुहारा बनता कैसे है? इसमें तो पानी डालते हैं। अच्छा, इसमें पानी डालते हैं। ये जो बड़ा कढ़ाई है। अच्छा, वैसे पेशावर में हम इसमें गोश्त बनाते हैं, तो इसमें आप पानी डालते हैं? केमिकल इसमें डालते हैं। कौन से केमिकल का नाम क्या है? रंकाट। अच्छा रंकाट, अच्छा वो डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें रंकाट डालते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे दिखा सकते हो कि क्या बना है अभी? अच्छा, ये छुहारा है खैरपुर की। इसमें तीन क्वालिटी निकल गई है। तीन क्वालिटी? अच्छा, अभी ये कौन सी क्वालिटी है? अच्छा, मतलब कैसे पता चलेगा कि एक क्वालिटी है? मसलन आप मुझे यहाँ पर अलग कर सकते, दिखा सकते हैं? तीनों क्वालिटी मुझे दिखाओ। कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कि ये ए क्वालिटी है, ये बी है, ये सी है? अच्छा जी, तो ये क्वालिटी सारे अलग अलग हो गए हैं, तो ये है जनाब सी क्वालिटी, ये है बी क्वालिटी, और ये है ए क्वालिटी। तीनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। ये सबसे छोटा साइज़ है, ये दरमियाना है, और यह सबसे बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। पहलवान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? डाडो मजो आयो। मजो अभी वीडियो बना रहे हैं? हाँ। किसको दिखाओगे? चैनल में भेजोगे? हाँ, चैनल में भेजेंगे ना। किस चैनल में? मेरे अपने चैनल में। अपने चैनल में? हाँ हाँ। उसका नाम क्या है चैनल का? उसका नाम है यहिया खान। यहिया खान, यहिया खान। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब चैनल? यूट्यूब। YouTube? हाँ। नहीं देखते। TikTok देखते हो? TikTok देखते हैं। अच्छा, अच्छा।
साईं कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हमको मजदूरी 700 रुपए। 700 रुपया? 700 रुपए मिलती है। और कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आप? 5 तक। हाँ जी, 5 मिनट का। 5 मिनट में 700 रुपया? नहीं, 8 बजे आते हैं। अच्छा, 5 मिनट पे वो, 5 मिनट। अच्छा, 5 बजे चलते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं। अच्छा जी, और ये कमीज क्यों निकाला है आपने? कमीज इसलिए निकाली है, ये मजदूर जो है ना, हाँ, खेल रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे कभी इधर। अच्छा, बहुत गुस्सा आ गया इसलिए मैंने कमीज उतार दी। अच्छा, अभी गुस्सा ठंडा हो गया? अभी गुस्सा ठंडा हो गया। जी हाँ भुट्टो। जी हाँ भुट्टो। अच्छा सदम भाई, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मतलब आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पर? मतलब मालिक है यहाँ पर, और ये जो लोग हैं ये आपके साथ काम कर रहे हैं? अच्छा, और अब ये छुआरा जाएगा कहाँ? मतलब कौन काएगा इसको? कौन बदनसीब इसको काएगा? अच्छा जी, ये सारा इंडिया जाता है? अच्छा, नहीं माशाल्लाह छुआरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, थोड़ा सा अगर सफाई का आप ख्याल रखें ना तो मजा आ जाएगा। क्या ख्याल है? जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो फिर भी इनका काम यही है। हाँ जी, इसका काम यही है, सफाई। अच्छा, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। तो जनाब वाला खैरपुर में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन अभी शाम होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक घोंसला ढूंढता हूँ ताकि मैं उसमें ये रात गुजार सकूँ, और बाकी इंशाल्लाह खैरपुर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कल इंशाल्लाह, कल सुबह होने के बाद, अभी नहीं, अभी शाम हो गई है। तो चलिए जी खैरपुर सिटी चलते हैं, और वहाँ पर मुझे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से मेरा एक दोस्त मौजूद है, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया है, तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और अभी मैं सीधा उसके पास जाता हूँ। ओके जी, तो फिर सुबह बात होगी इंशाल्लाह। या 2004 में मैं FM को सुनता था, और वहाँ के जो RJ हुआ करते थे ना, उनकी आवाज़ पे कुछ RJs थी, मैं अभी नाम नहीं लेता उनका, उनकी आवाज़ पर मैं मरता था, क्योंकि 2003-2004 में FM का बहुत क्रेज था, और मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं खुद बजाते खुद यहिया खान मतलब FM स्टेशन विजिट करेगा, मतलब एक ऐसा दिन भी आएगा। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक यादगार है आज का दिन कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपका इस तरह इंटरव्यू करूँगा, माशाल्लाह। मतलब जब मैंने आपको पहली दफा तकरीबन 1 साल पहले मैंने आपको देखा था वीडियो में। अच्छा, एक जुमला था बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा, मैं जुमला रिपीट नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छा लगा था उससे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जुमला बता देता है कि बंदा कैसा आया। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। खैरपुर को मैं शक्कर की तरह बहुत बड़ा शहर समझता था, लेकिन ये एक छोटा सा शहर है, और ये शहर कई हवालों से मशहूर है, लेकिन आज यहाँ की मजहबी और सियासी शख्सियत पीर पगाड़ा की दरगाह चलते हैं। बाइक कहाँ खड़ा करना है? बाइक को कहाँ खड़ा करो? ये बाइक को मैं कहाँ खड़ा कर सकता हूँ? अंदर जाना है सलाम करने के लिए। मोटरसाइकिल खड़ा करता है? हाँ हाँ, इधर खड़ा, इधर। बस ठीक ठीक है, शुक्रिया। ये है जनाब पीर पगाड़ा की दरगाह। इस दरगाह की कहानी बहुत पुरानी है। पीर पगाड़ा का मतलब है साहिब दस्तार, और ये पीर सिबगतुल्लाह शाह अलमारूफ सूर्या बादशाह की दरगाह है, जिसने गासिब अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया। सिबगतुल्लाह शाह अकेले नहीं थे, इसके साथ हजारों लोग थे जिनको आज भी हुर के नाम से याद किया जाता है, जिसका लिबास आज भी मखसूस है।
सफेद शलवार कमीज और सर पर सिंधी पग। पीर सिबगतुल्लाह को अंग्रेज सरकार ने 1942 में दहशतगर्द करार दिया और 20 मार्च 1943 को उसे तख्तेदार पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। 1946 को सिबगतुल्लाह के फर्जंद शाह मर्दान शाह को अंग्रेज सरकार ने जलावतन करके लंदन भेज दिया, जहां पर उसने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। 1952 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की दावत पर वो पाकिस्तान आए। 1952 को खैरपुर पीर जो गोट में एक शानदार तकरीब के दौरान इसकी ताजपोशी की गई और 9 साल के वक्फे के बाद पीर जो गोट को दूसरा पीर पगाड़ा शाह मर्दान शाह की शक्ल में मिल गया और 10 जनवरी 2012 को इस फानी दुनिया से चले गए। आज भी इसके मुरीद आते हैं, कब्र को सलाम करते हैं, सजदा करते हैं और चंदा देकर वापस चले जाते हैं। भाईजान कुछ मिला कि नहीं? मछली नहीं मिली? मछली मिली कि नहीं? मछली नहीं मिली? खैरपुर शहर के बीचों बीच इमाम हुसैन की रोज़े मुबारक का शबीह बनाया गया है। मैं खुद इमाम हुसैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जालिम के सामने डट जाना, हक बात करना, ये हमने इमाम हुसैन से सीखा है, तो आइए इसको देखने चलते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या पका रहे हैं आप? मेरे पास समोसे और रोल है। अच्छा अच्छा, और खैर से क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी शुक्रिया। मैंने तो हेलमेट पहना था, फिर भी पहचान लिया। दिल से दिल को राह होती है। अच्छा जी, चलो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार। रोज़े मुबारक को बिल्कुल उसकी असल की तरह बनाया गया है। सहन में आलम पाक है, जहां पर लोग दुआ मांगते हैं। और इमारत को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से में रोज़े मुबारक का शबीह है, जिसका एक साइड मर्द जायरीन के लिए मखसूस है और दूसरा साइड ख़वातीन जायरीन के लिए। पूरा रोज़ा गोल्डन कलर का है। ऐसा लगता है कि हर दीवार को सोने का पानी दिया गया है। रोज़े मुबारक का दूसरा हिस्सा मस्जिद है, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। और मस्जिद की मेहराब तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इस मस्जिद का मेहराब खास है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, गौर से देखिए इसको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? खैरियत सर, शुक्र। आपका गुड नेम सर? मीर आसिफ मोहम्मद तालपुर। मीर आसिफ मोहम्मद तालपुर, काफ़ी लंबा हो गया, शॉर्टकट दे आसिफ कर। आप मुझे कुछ दिखाने वाले थे यहाँ पर? जी, यह पुराने दौर में लाउड स्पीकर नहीं था। अच्छा, तो ये एक सराउंडिंग सिस्टम है। अच्छा, मिस्र की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मरसिया मजलिस या नोहे खान अगर नोहा पढ़ता था, ठीक है, तो वो सराउंड होके एक ही टाइम में सबको आवाज जाती थी। अच्छा, हाँ जी, डेमो दिखा सकते हैं? हाँ जी, आप आइए उस तरफ बैठे आप। अच्छा, मैं वहाँ पर जाऊँ? हाँ जी, आप वहाँ जाए। अच्छा, तो अभी इस कोने में अगर हम बात करेंगे तो इसका सराउंड उस कोने तक बनेगा। अच्छा, इधर हम इस कोने में बात करेंगे तो इसकी सराउंड उस कोने में बनेगी। अच्छा, मतलब वहाँ तक आवाज जाए। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। हेलो हेलो, आसिफ भाई बोल रहे हैं? जी जी जी, कैसे आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, परफेक्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी है, तो कमाल है। वैसे मेरी और आसिफ भाई की अभी जो फासला है ना, ये तकरीबन 20-25 फिट होगा, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ पर ऐसी आती है ना, जैसे यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर लगा हो। हेलो हेलो,
सुन रहे हो? आसिफ भाई आप बोलिए। हेलो हेलो अगर साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम यहिया खान है। यहिया खान साहब जी जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त एकदम क्लियर आ रही है। कमाल है यार वो इतने आहिस्ता बोल रहा है ना वो फिर भी उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त और क्लियर आती है यार कमाल है ये तो। अच्छा जी अभी मुझे पता नहीं है कि मैं आपको सही तरीके से बता सका या नहीं आपको समझ आ गई या नहीं क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना मतलब यहाँ पर आप जब खुद आएंगे और सब कुछ आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब ये क्या है असल में। 20-25 फिट का फासला है और वो आहिस्ता सी सरगोशी भी करे ना तो वो सरगोशी आपको इस तरफ लाउड सुनाई देती है और ये सब कुछ तकरीबन 200 साल पहले। कमाल है यार यहाँ से आवाज़ निकलती है आप अगर यहाँ पर बात करते हैं ना तो ये आवाज़ सीधा वहाँ पर जाती है वहाँ पर आप इसको आराम से सुन सकते हैं। नहीं आपकी आवाज़ काफ़ी लाउड आ रही है। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप बहुत आराम से बोल रहे हैं ना। ये आवाज़ दरअसल गूंजती है इस तरह गूंजती है और ये बाहर आते हैं और साइडों में तो बहुत क्लियर सुनाई देता है। खैरपुर में इस इमारत के अलावा एक और बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसका नाम है फैज़ महल लेकिन आप इसको मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं बैड लक कह सकते हैं कि इस वक्त मैं फैज़ महल नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर मुरम्मत का काम चल रहा है तो मैं फैज़ महल तो नहीं देख सकता लेकिन यहाँ से तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर दूर एक दरगाह है और जिसका नाम है सचल सरमस्त एक पुराने ज़माने का एक सूफ़ी है और बहुत ही खूबसूरत दरगाह है और लोग ऐसे कहते हैं कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो इंसान थोड़ा सा मस्त हो जाता है तो मस्त तो मैं पहले से हूँ लेकिन मैं वहाँ पर जाके थोड़ा सा मज़ीद रिचार्ज होना चाहता हूँ और इस वीडियो को मैं वहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। तो इससे पहले कि मैं खैरपुर सिटी खैरपुर शहर छोड़ दूँ मैं खैरपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच। खैरपुर में आपने हमारी बहुत खिदमत की और मैंने आपका बहुत सारा टाइम लिया तो थैंक यू सो मच ब्रदर। खिदमत तो अभी आपकी आज करनी थी लेकिन आप भाग रहे हैं। बस क्या करें मेरे भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है। आपका बहुत शुक्रिया आपने भी हमें भी टाइम दिया और बहुत खुशी हुई आपसे ये जो वक्त गुजरा और दिल चाह रहा है कि कम अज़ कम आप 7 दिन तक यहाँ। लव यू मेरे भाई लव यू थैंक यू सो मच ब्रदर आपने भी बहुत खिदमत की मेरी थैंक यू सो मच आपका बेहद शुक्र गुजार हूँ थैंक यू खुदा हाफिज़ ब्रदर खुदा हाफिज़ इंशाल्लाह ज़रूर। अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाबा हजरत सचल सर मस्त मस्त मोदाम ओह चल दरगाह हजरत सचल सर मस्त अस्सलाम वालेकुम भाईजान पार्किंग की पर्ची तो दे दे लेकिन ये दो बैग मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ठीक है मेरे कपड़े हैं इसमें कहाँ क्या लिखना है ये तो एक मिनट अच्छा अच्छा वहाँ पर ठीक है लिख। सचल सरमस्त सिंध की तारीख सचल सरमस्त के बगैर नामुकम्मल है। सचल सरमस्त का असल नाम अब्दुल वहाब बिन सलाहुद्दीन है। सचल सरमस्त 1739 को सिंध के जिला खैरपुर के गांव रानीपुर के करीबी इलाके दराजा में पैदा हुए थे। सचल सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सच बोलने वाला। सरमस्त का मतलब है अपने आप में मस्त रहने वाला और दराजा सचल सरमस्त का एक शागिर्द था। आज ये इलाका उसके नाम से मंसूब किया गया है। सचल सरमस्त एक बेहतरीन शायर थे और अपनी शायरी में इंसानियत की बात करते थे। इसी वजह से हिंदू भी इसकी मुरीद थे। मजहबी मुनाफिरत फिरकाबंदियों के सख्त खिलाफ थे और 1829 को 90 साल की उम्र में इस फानी दुनिया से चले गए। पता नहीं आजकल पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा क्यों नहीं होते। चलता हूँ मिलते हैं स्टोरी नंबर 29 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।